नमस्कार, सीएमएन पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कनिका आपके साथ। अपने रिश्तेदार के घर मिलने आया युवक बिजली का करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर अवस्था में उसे फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टर ने उसे दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। बुरी तरह से झुलसा हुआ दिखाई दे रहा ये युवक अटाली का रहने वाला मुस्तकीन है, जो अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए फरीदाबाद की भारत कॉलोनी में आया हुआ था। रिश्तेदारों की माने तो मुस्तकीन उनके यहाँ मिलने आया था और करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। वहीं बीके अस्पताल के डॉक्टर मनीष दयाल की माने तो एक पेशेंट झुलसी अवस्था में यहाँ पहुंचा था, जो कि करीब 50% चला हुआ था। उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया। मेरा मनीष दयाल। एक पेशेंट आया, कैसी हालत है इसकी? ये 50% जला हुआ है, पूरे शरीर पर सामने की तरफ ज्यादा है, और जो है कोई ज्वाला सी उठी वहाँ गया था बिजली के तारों में से, उसने कपड़ों में पकड़ ली आग और ये जल गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम मुस्तकिम है। तो अभी इसको कहीं रेफर किया गया? इसको रेफर करने से पहले सफदरजंग के लिए रेफर किया। कितने प्रतिशत? 50%। ठीक है सर। मेरा मोहम्मद जावेद। ये जो लड़का जो जला है, कैसे जला है और क्या नाम है इसका? नाम मुस्तकीम है। ये छत पे गया था टॉयलेट के लिए, है ना, तो हम लोग तो नीचे थे, हम पता नहीं सारे लोग, एकदम ब्लास्ट सा हुआ है ना, एकदम जब आवाज़ हुई तो हम देखा ऊपर एकदम सब सारे लोग ऊपर से गए, छत से आवाज़ आई थी तो गए, तो तार वार हम लोग ने तार वार देखे इसके चिपके हुए, और फिर हमने लोगों ने जो इन्होंने भाई ने जो है लाठी से हटाए फटाक से, एक भाई ने जो है बोटार जैकेट डाली, तुरंत हम लोग लेके आए हॉस्पिटल। क्या हम मकान में किराए पर रहता है, क्या करता है? ना, हम वहीं पे बैठा था, रिश्तेदार है हमारा, टॉयलेट गया था ऊपर। आपका रिश्तेदार? हाँ। कहाँ का रहने वाला है? अटाली का। अटाली गाँव का। किस लिए आए थे आपके पास? आए घूमने आए थे हमारे। तो ऊपर तार कहाँ से आ गए? ऊपर तार, तार तो ऊपर है ही, तार आ गए। बड़ी वाली लाइन है, हाई टेंशन की लाइन। नजदीक है वो, टूट गए तार कैसे? तार तो टूटे नहीं है, नीचे ज़्यादा है। हाँ, नीचे क्या नीचे है या कि हम पता ही नहीं हुआ कैसे, ब्लास्ट था हुआ, भाई लोग सारे लोग गए तब देखा जाके हमने। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गौ माता के 25 से 30 शव पानी में तैरते दिखाई देने का एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मृत गायों के शव पानी में तैरते हुए और कुत्तों द्वारा नोच नोच कर शवों को खाने को दिखाया गया है। वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि वीडियो फरीदाबाद के छायंसा गांव की गौशाला की है और बिल्कुल सही है। गोमाता के मरने के बाद दुर्दशा की वायरल तस्वीरें गोमाता पर राजनीति करने वाले बीजेपी सरकार और गो भक्तों से सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक उन पर यूं ही राजनीति होती रहेगी, या उनके रहन सहन और संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार ने गायों की रक्षा के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन किया है, जिसके चेयरमैन भानी राम मंगला है। इस वायरल वीडियो के बारे में जब हमने उनसे फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुने बगैर ही हमारा फोन काट दिया। खैर, चलिए बता दें कि पानी में तैरते और कुत्तों द्वारा नोच नोच कर खाते हुए दिल दहलाने देने वाले इस वायरल तस्वीर के बारे में हमने इसकी पड़ताल की तो पाया कि वीडियो दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के छायंसा गांव में बनी देहली पिंजरा पोल गौशाला का है और पूरी तरह से सही है, जहां मृत गायों के शव पानी में तैर रहे हैं और उनके शव को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन जब हम पहुंचे तो गौशाला संचालक उन गाय के शवों को गड्ढा खोदकर दबा चुके थे, लेकिन हमने मौके पर पाया कि गड्ढे से निकले गाय के अंगों को अभी भी कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। गौमाता शवों के साथ हो रही दुर्दशा के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि गौशाला के संचालक और कर्मचारी की लापरवाही की वजह से इन गायों की मौत हुई है। वहीं मौके पर आए दूसरे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव के लोगों ने गौशाला के लिए अपनी 26,000 बीघे जमीन दी थी, लेकिन गौशाला के संचालक और कर्मचारी सारी जमीनों को पट्टे पर देकर मुनाफा कमाते रहे और गायों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। लोगों के मुताबिक लापरवाही के चलते इन गायों की मौत हुई है। वहीं जब इस मामले पर जब हमने गौशाला के संचालक से बात की तो पहले तो उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से गायों की मौत और कुत्ते के नोच कर खाने वाले इन सभी आरोपों को वायरल हुए वीडियो को सिरे से नकार दिया,
लेकिन जब गौशाला संचालक को बताया गया कि मीडिया टीम ने मौके पर जाकर सारी हकीकत को कैमरे में कैद किया है, तो पहले तो यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, लेकिन सवाल के घेरे में आने के बाद मान लिया कि उनकी तरफ से गलती की गई है। क्या नाम है आपका? विनोद अग्रवाल। विनोद जी, जी ये गौशाला जो सहरसा में है जी, कौन चलाता है, संचालक कौन है? दिल्ली पिंजरा पोल सोसाइटी। सोसाइटी है जी। आप क्या देखते हैं? सारा काम देखता हूँ जी मैं उसका, मतलब आपकी देख रेख में चलती है। हाँ जी, हाँ जी। एक वायरल हो रहा है वीडियो, इसमें कम से 25 से 30 गायें पानी में सड़ती हुई तैरती दिखाई दे रही है। ऐसा है जी, ऐसा है जी, कुत्ते उत्ते तो नहीं कोई वहाँ पे नोच के खाते जी। वो उसकी वजह क्या है कि हमारी अपनी ज़मीन है, उसके अंदर हम लोग जो है जब गायें मर जाती हैं तो दबा देते हैं, क्योंकि ये जितनी भी गायें हैं ना जी, हमारे यहाँ ही जन्म लेती हैं, हमारे यहाँ ही मरती हैं। पहले तो जो है कॉरपोरेशन उठा लिया करती थी जी। एक व्यक्ति था वो ले जाया करता था जी। अब उसने बंद कर दिया तो हमने अपने यहाँ गाँव वालों को, इसमें भी ऑब्जेक्शन रहता है हमेशा। कितनी गायें हैं? 1800 के करीबन गायें हैं जी हमारे। हाँ जी, हाँ जी। आप कह रहे हैं कुत्ते नहीं नोच के खाते, हमारे पास तस्वीरें हैं, ऐसा हमने खुद ने देखा। ऐसा है जी कि उसके अंदर जो है वो, उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि कुत्ते इसलिए नहीं नोच के खाते कि जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो कुत्ते नहीं नोचते उसको। नहीं तो नोचते किसको हैं? हमारे पास तस्वीरें हैं नोचते हुए कुत्तों के, नहीं हमने कैमरे में कैद की है। नहीं वो हो सकता है कि कोई मतलब लेटेस्ट मरी हो, क्योंकि क्या है जब इतनी गायें हैं, बच्चे भी पैदा होते हैं, बच्चे जन्म से पहले भी पैदा हो जाते हैं, मर जाते हैं वो, तो उनको लापरवाही कोई नहीं है जी हमारे यहाँ। हमारे जैसा रख रखाव जो है ना जी, आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो बरसात हो गई तो उसके अंदर जो है वो इस तरीके की स्थिति हो गई, अब आगे इस बात का और ध्यान रखेंगे और गहरा। कितने दिनों पुरानी मानते हैं जो 25-30 गायों की जो लाशें हैं, कितनी पुरानी मानते हैं उस गड्ढे में पड़ी हुई थी? बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15-20 दिन, 15-20 दिन, मतलब 15-20 दिन से वो गाय की जो लाशें हैं वो सारी दबी हुई थी ना जी, दबी हुई थी। आपने कि ऊपर आ गए, मानते हैं लापरवाही नहीं? नहीं नहीं, ऐसा है जी कि वो अब आगे से इसका ध्यान रखेंगे ना जी, क्योंकि कई बार जेसीबी नहीं भी मिलती है भाई। जब आप कह रहे हो कि गाय ऊपर रही है तो लापरवाही तो भाई बता रही, हम नहीं कह रहे जी, आप समझे, तस्वीरें बता रही है। ऐसा है जी, तस्वीरें तो कब किस वक्त की खींची हुई होती हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। कल की तस्वीरें हैं लेटेस्ट। नहीं अगर आप ये वाली बात कह रहे हो तो हम मानते हैं भाई, हमारी गलती है, आगे ध्यान रखेंगे इस बात का। नाम क्या आपका? विकास भाटिया जी। विकास, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके गांव का, इसी गौशाला का। हाँ जी हाँ बिल्कुल। कुछ गायें दिखाई जा रही है पानी में तैरते हुए। हाँ जी, क्या है ये पूरा मामला, इसे बताएं। सर ये है, यहाँ पे हमें खबर मिली थी कि 2-3 गाय दबी पड़ी है यहाँ पे, तो हमारे साथी आए थे देखने के लिए, तो यहाँ पर देखा हमने 25-30 कम से कम गाय पड़ी हुई हैं मृतावस्था में, पानी में फूली हुई पड़ी थी। तो सर हमें देख के हम हैरान हो गए उसको देख के, फिर हमने वीडियो बनाई, फिर हमने गौशाला वालों को दिखाई कि भाई तुम किस बात के पैसे ले रहे हो, किस बात की तुम्हारी वो आ रही है? तो कहने लगे कि सर यहाँ पर जगह की कमी है और हमारे पास जगह नहीं है इतनी, गौशाला में गाय ज़्यादा हो रही हैं तो इस वजह से ये मर जाती हैं रोज़। तो हमने कहा कि भाई अगर मर जाती है तो उनको पूरे रीति रिवाज से दफनाया जाए ना उनको, जब पैसे लगते हैं उसके। तो ये कहने लगे कि सर अभी टाइम नहीं मिल पाया, हमने वो खड्डा खुदवा के ऐसी डाल दिया, वो बारिश का पानी आया और गौशाला के पानी की वजह से वो मतलब वो फूल के ऊपर आ गई, ये कहना है इनका। प्रेम सिंह है जी। हाँ जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव ठाणसे का रहने वाला हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 20-25 गाय जो है मरी हुई पानी के अंदर तैर रही है, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ऐसे है, ये डॉक्टरों की लापरवाही है, जो ढोर मरते रोज की बीमारी से मरे, कैसे मरे इन डॉक्टर बताएंगे ना। दो दो ये गौशाला सेठ लालन के वहाँ दिल्ली बैठे हैं, जबकि इसके पास 26,000 बीघे जमीन है ऑलरेडी, ये इसने धंधा बना रखा गौशाला ने, क्यों उसको ये बिजनेस पे पट्टे इन पर दे देती है, गाय इनके लिए जी गई कहाँ से रहेगी, जब ये बिजनेस पट्टे इन पर दे देते हैं लोगों को तो इनके लिए कहाँ से भूसा आएगा, कहाँ से, ये तो मोल करे इधर धंधा बना रखे इन्होंने। 26,000 बीघे जमीन है गौशाला के पास। कितनी गौशाला की यहाँ पे मृत्यु, गऊ की मृत्यु होती है यहाँ पे? यहाँ तो 25-30 तो ये थी। अब ये तो गौशाला के कर्मचारी बताएंगे जी, हम तो अभी जब आए जब देखी है ये गाय 20-25 तो यहीं मरी पड़ी हैं जी, अब रोज की पता नहीं, गर्मी में तो और ज्यादा मरती होंगी। यहाँ के विधायक या प्रशासन के अध्यक्ष से बात की इस बारे में? हमें तो आज ही पता लगी है जी गौशाला में ये गाय अब जो मरी पड़ी है, जब देखी हमने जब पता लगी है। तो ये गाय क्या एक ही दिन में मरी है या एक हफ्ते में मरी है, कितने दिनों की मरी? ये महीने भर ये महीने भर में सबरी गोल कर दिए जी ने। अच्छा हाँ, और यहीं फेंक देते हैं इनको, चील कौवा खा रहे हैं,
कुत्ते खा रहे थे, कुत्ते खा रहे हैं, बताओ। अगर अगर ये गौशाला वाले प्रॉपर तरीके से उनका दाह संस्कार कर खूब कर सकते हैं जी, खूब कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते ये। नहीं बिल्कुल नहीं जी, ये नहीं करें। ये सेठ सेठ लोगों की है जो दिल्ली बैठे हैं लाला, उन्होंने बिजनेस कमा रखे हैं पट्टे पे, गौ 26,000 एकड़ को जमीन को ये पट्टे पे उठा देते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ जमीन में पैदा होती है खूब, इनकी 26,000 बीघे जमीन है गौशाला पे, देखो उसमें से तो बिजनेस पट्टे इन पे दे देते हैं, ले लेते हैं। एक गौशाला के एक फार्म ले रखा है उसने, बलियारा फार्म ने, कम से कम 250-300 किला तो उस पे है, जो कि पट्टे इन पे बिजनेस बना रखे हैं, लोगों ने धंधे बना रखे हैं, जबकि वो ये गौशाला सरकारी नहीं है जी, ये प्राइवेट संस्था है, लालन की है, सोसाइटी बनी हुई है लालन की, जमीन ले रखी है सरकार की, जमीन गांव ने, जमीन दी है वो दान में दे रखी, दान के लिए दान में दी थी वो जमीन गायन के लिए। कितनी पुरानी गौशाला है ये? काफी पुरानी है जी, हमसे तो बहुत पहले बनी हुई है, दान में दे दी थी गायों के नाम पे जमीन। हरियाणा में नई पार्टी के गठन के बाद जेजेपी के नेता अपनी पकड़ जनता में बनाने के लिए जुट गए हैं, जिसको लेकर आज जेजेपी नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला पानीपत पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जनता के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय सरकार के पास मौका है कि धारा 370 समाप्त कर दे। आज पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि इनेलो और बीजेपी से गठबंधन नहीं, उसका बीजेपी में जल्द विलय हो जाएगा। जबलपुर रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में महिलाओं के पर्स से मोबाइल और सोने के जेवरात चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से जीआरपी पुलिस ने 1,00,000 रुपए के मोबाइल फोन और सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। चोरी के दो मामलों में आज जीआरपी जबलपुर को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। दो आरोपी जिनमें एक राजेंद्र उर्फ राजन सेन ब्योहारी जिला शहडोल का और दूसरा सत्यम कुशबंदिया जीआरपी ग्राउंड पीछे घमापुर का, ये आज दोनों उस वक्त पकड़े गए जब ये एक मोबाइल बेचने की फिराक में रेलवे स्टेशन पर थे। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ट्रेन में चोरी करना कबूल किया और दो पुराने चोरी के मामले इनसे बरामद हुए हैं। ये दोनों ही एक शातिर चोर सोनू और करिया जो मानिकपुर का रहने वाला है उसके साथी है, और कुछ दिन पहले ये क्राइम ब्रांच जबलपुर में पकड़े गए थे और इन्होंने काफ़ी चोरियां पुलिस को बताई थी। इनसे मोटरसाइकिल, सोने चांदी के जेवरात जब्त हुए थे। आज जीआरपी जबलपुर ने इनसे पूछताछ की करने के बाद सोने चांदी के जेवरात और एक मोबाइल जो इन्होंने ट्रेन में से चुराया था ये बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पुराना इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और भी है थानों का, पर्याप्त क्रिमिनल रिकॉर्ड है जबलपुर जिले में भी। इसके अलावा गाटरवारा, इटारसी, सतना, मानिकपुर, कटनी इन सभी थानों में इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और ये शातिर चोर है, ट्रेन में प्लेटफॉर्म में ये चोरी करने के आदि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश दिव्यांग संघर्ष समिति के दिव्यांग कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का पुतला फूंका। दिव्यांग संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलवामा में जिस तरह से आतंकियों के हमले में 40 जवान शहीद हुए उससे वो भी दुखी है। ये कायराना हमला पाकिस्तान के शह पर किया गया है जिसे बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। समिति के लोगों ने अभिनेता पर भी अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शाहरुख खान पाकिस्तान को 45 करोड़ रुपए की सहायता करते हैं, लेकिन देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और शाहरुख खान ने अभी तक शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। भैया एक मिनट बोल दो जी, बताएं। आज हमारी संस्था के तत्वाधान में, दिव्यांग संघर्ष समिति के तत्वाधान में, पाकिस्तान ने जो एक कमीना कारियाना हरकत की है पुलवामा में हमारे शहीदों के साथ, उसके विरोध में उसका पुतला दहन हम लोगों ने किया है और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया है। और ये जो पुतला जलाया है, ये शाहरुख खान का भी पुतला है। शाहरुख खान जो अभिनेता, फिल्म स्टार, बॉलीवुड वाले उसको बिग बॉस बोलते हैं, ऐसे बिग बॉस को, ऐसे शाहरुख खान को हम लोगों ने आज उसका पुतला जलाया है जिसने पाकिस्तान को 45 करोड़ रुपए सहायता राशि दी हुई है और हमारे शहीदों को उसने नमन तक नहीं किया, ना ही एक श्रद्धांजलि दी। ऐसे अभिनेता को देश से बाहर कर देना चाहिए,
हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे अभिनेताओं को और ऐसे गद्दारों को देश से गोली मार कर बाहर कर दो। इनको ना ही हमारे यहाँ फिल्म बनाने दो, ना ही कोई अभिनय करने दो। आज ये पुतला दहन शाहरुख खान और उन आतंकवादियों और उस पाकिस्तान कमीने का किया गया है जिसने हमारे सैनिकों के साथ एक कुर्ता व्यवहार किया है, एक बेसियानापन किया है, एक गुंडागर्दी साक्षात। कौन सी संस्था द्वारा किया? ये हमारे दिव्यांग संघर्ष समिति जबलपुर मध्य प्रदेश, देवेंद्र सोनी मध्य प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग संघर्ष समिति। 2007 आईएएस बैच के अधिकारी अभय सिंह ने जब से बुलंदशहर डीएम पद का चार्ज लिया है तभी से डीएम अभय सिंह एक्शन में है और जनपद के थाना तहसील के निरीक्षण करने पर निकले हुए हैं जो सिंघम के अंदाज में नजर आ रहे हैं। जहां भी डीएम निरीक्षण करने जा रहे हैं वहीं अपनी छाप छोड़कर जा रहे हैं। जहांगीराबाद कोतवाली पहुंचे डीएम अभय सिंह ने जहां थाने का बारीकी से निरीक्षण किया और दस्तावेज भी चेक किए। इस दौरान थाने में हर पुलिसकर्मी की सांसें रुकी हुई थी और पुलिसकर्मी घबराते हुए नजर आ रहे थे। डीएम ने कोतवाली प्रभारी को लोकसभा चुनाव से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होने की चेतावनी देते हुए कहा कि वे सभी अति संवेदनशील बूथों का गंभीरता से निरीक्षण करें और रिपोर्ट बनाकर भेजें। इसके बाद डीएम अनूप शहर तहसील पहुंचे जहां तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने वहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान योजनाओं की विस्तार से जानकारी लेते हुए कहा कि योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी किसानों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। रामपुर के सदर तहसील में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रामपुर के 57,000 किसानों को चिन्हित कर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहली किश्त का सम्मान निधि प्रमाण पर दिए गए। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर तंज भी कसा। देखो राहुल गांधी जी जो है वो झूठ का झाड़ है और झूठ के झाड़ जो जब झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे आता है तो उसकी हालत ऐसी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।